बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप भाइयों को ये फ्यूल टैंक दिखाने लगे हैं। ये हम डिस्पैच कर रहे हैं गुजरात में हसीब भाई को। और ये आप लोगों को बता दूं, ये जो जेन्युइन फ्यूल टैंक था, लास्ट 15,000 का सेल हुआ था और ये अभी फ्यूल टैंक जेन्युइन एंड हो गए हैं। ये जो फ्यूल टैंक है, ये जेन्युइन उन्होंने तैयार करवाया है ऑर्डर पर, और ये वकार इंडस्ट्रीज का फ्यूल टैंक है। बाकी इसके ऊपर जो पेंट जॉब है बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी की है, मोनोग्राम और स्टिकर भी जेन्युइन क्वालिटी के हैं। ये थोड़ा सा आप लोग चेक कर लें इसको। वकार इंडस्ट्रीज का जो फ्यूल टैंक होता है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है। शेप भी इसकी तकरीबन आप देख लें, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि जेन्युइन है या नहीं, लेकिन हम बता के दे रहे हैं 7,500 रुपये में। ये टापे के मोनोग्राम, ये टैंकी के मोनोग्राम, ये सारा कुछ इंक्लूड है। पेंट जॉब इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि ये जब धूप में जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त ग्लो भी करेगा। और अप मॉडल के जो फ्यूल टैंक्स हैं, अप टू 10,000 उनकी प्राइसेस हैं। और ये डाउन मॉडल के जो फ्यूल टैंक थे, चूंकि अभी वो बहुत ज़्यादा नायाब भी हो गए हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, मिलते भी नहीं हैं, तो इस वजह से आप डाउन मॉडल का जो सामान है वो ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। इसी तरह इसके जो है साइड कवर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। मोनोग्राम इसके ऊपर एटलस वाले लगे हैं, और टापे का जो मटेरियल है ये ABS मटेरियल है, वाइट हड्डी वाले ये टापे हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप लोगों का ताल्लुक हो, आप लोग सामान मंगवा सकते हैं। इसमें ब्लैक कलर का भी हमारे पास अवेलेबल है, और डाउन मॉडल के जो जेन्युइन फ्यूल टैंक्स है हमारे पास 2009 मॉडल में रेड ब्लैक दोनों अवेलेबल हैं। ब्लैक की प्राइस जो है वो 15,000 है, रेड की 16,000 है। जिस तरह के मैंने बताया कि हमने आप लोगों के बजट को देखना है। आमतौर पर मार्केट में 3,000-2,500 के भी फ्यूल टैंक्स मिल जाते हैं, लेकिन उसकी पेंट की जॉब जो है लोकल होती है, उस पर स्टिकर भी लोकल होता है, उसमें मोनोग्राम भी लोकल होता है। ये मोनोग्राम है, ये एटलस होंडा के, इसके ऊपर अगर आप जेन्युइन इंस्टॉल करवाएं तो ये लाइफ टाइम चल जाता है, और ये स्टिकर भी लाइफ टाइम चलेगा। जितना मर्जी इसको धोएं, इसका चमक वगैरह खराब नहीं होगी। इसके लिए हम एक्स्ट्रा टिप भी देंगे आपको कि टैंकी को जब भी आप वॉश करें, सर्फ वगैरह से आपने वॉश नहीं करना, शैम्पू से आप वॉश करेंगे, ये लाइफ टाइम चलेगी। और दूसरा, टैंकी का जो ढक्कन है, इसके अंदर जो रबर लगा होता है, अच्छा रबर यूज करें ताकि पेट्रोल बाहर ना आए, वो फिर टैंकी के ऊपर उसके निशान वगैरह आ जाते हैं। और तीसरी बात बड़ी ज़रूरी, पेट्रोल जब आप भरवाते हैं किसी ऐसे पेट्रोल पंप से भरवाएं जो कि तकरीबन नया हो, पुराना ना हो ज़्यादा, क्योंकि उसमें फिर पेट्रोल के अंदर ऐसी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो कि टैंकी को ख़राब करती हैं। और दूसरी बात यह कि पेट्रोल जब भी भरवाएं, कोशिश करें ज़्यादा पेट्रोल डलवाया करें। कई लोग बिल्कुल थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी नमी होती है जो कि फ्यूल टैंक को अक्सर जो है लीकेज की तरफ लेके जाती है। जब वो नीचे जाता है पेट्रोल, तो वो नमी नीचे उसको उसे जो उसकी फाउंडेशन है उसको क्रैक करना स्टार्ट कर देती है। तो इस फ्यूल टैंक के जो एक्सपेंसिव होने की वजह यही है कि मोनोग्राम जेन्युइन है, पेंट की जो जॉब है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और ABS मटेरियल वाला जो टापा है ये बगैर आप इसका अगर रंग का भी लेंगे काफ़ी महंगा टापा है। तो ये मोनोग्राम तकरीबन 750 का है, टापे का मोनोग्राम 750 का है, 1,000 के लगभग स्टिकर आ जाते हैं। तो इसी वजह से हमने आप लोगों के बजट को देखना, वरना ये सस्ते भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जल्द मुलाकात होगी नई वीडियोस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।